हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ एक होम रेमेडी जिससे आप अपने फेस के डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, पिंपल या पिंपल्स के जो स्पॉट होते हैं उन्हें कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं सिर्फ कुछ इंग्रेडिएंट, कुछ होम रेमेडीज़ को यूज़ करके। तो अगर आपके फेस पे भी स्किन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं या इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जैसे पिंपल्स, एक्ने या उनके स्पॉट हैं, तो आप उन्हें कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच चंदन पाउडर। आप चंदन पाउडर की क्वांटिटी को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 पिंच हल्दी, हल्दी को 1 से 2 पिंच ही लें, उससे ज़्यादा ना लें। 1/2 चम्मच कच्चा दूध या रॉ मिल्क, 1/2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर। आप किसी भी ब्रांड के, मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट दिखाए हैं आप किसी भी ब्रांड के यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप भी सेम ब्रांड के इंग्रेडिएंट यूज़ करें। और 2 से 3 बूंदें लेमन जूस की। इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करके एक फाइन पेस्ट बनाना है। यहाँ पे मैं कुछ बातें एडिशनल स्टेप इसमें इंक्लूड करना चाहती हूँ। ये फेस पैक ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, तो आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप ड्राई स्किन के हैं तो आप इस फेस पैक में 1/2 चम्मच हनी या शहद ज़रूर ऐड कर लें। मेरी स्किन ऑयली है तो इसलिए मैंने शहद को ऐड नहीं किया है, बट अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें 1/2 चम्मच शहद मिक्स जरूर करें। इस फेस पैक को आप वीक में सिर्फ 1 से 2 बार ही यूज़ करना है, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। याद रखिएगा कि जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उनकी क्वांटिटी को आप मैनेज ज़रूर करें। जैसे कि रॉ मिल्क या फिर एप्पल साइडर विनेगर, लेमन जूस, टर्मरिक पाउडर, इन सबकी क्वांटिटी को आप फिक्स रखिएगा। बस चंदन पाउडर या फिर सैंडलवुड पाउडर की क्वांटिटी को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो आप उसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फेस पैक को अप्लाई करने से पहले अपने फेस एंड नेक को अच्छे से क्लीन करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्लीन फेस पे ही किसी भी फेस पैक को अप्लाई करें। इस फेस पैक को अपने पूरे फेस एंड नेक पे इवनली अप्लाई करें। उसके बाद इसे तब तक अपने फेस पे रहने दें जब तक ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए। ड्राई होने के बाद इसे आपको अपने फेस से रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आप नॉर्मल वाटर का यूज़ करें। याद रखिएगा कि ना आपको गर्म पानी यूज़ करना है और ना ही ठंडा पानी, नॉर्मल वाटर बेस्ट है। ये आपके फेस से डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन या फिर स्किन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं सभी प्रॉब्लम को आपकी स्किन से दूर करता है और साथ ही साथ आपकी स्किन टोन को भी लाइट करने का काम करता है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो उसके लिए। फेस पैक को रिमूव करने के बाद आप अपने फेस में अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये फेस पैक बहुत अच्छा है, इसका वर्क बहुत अच्छा है, इसके जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो सभी आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं और अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। ये आपके फेस से डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, पिंपल के स्पॉट को दूर करने के साथ साथ आपकी स्किन टोन को लाइट भी करता है और आपके फेस को फेयर भी करता है। याद रखिएगा कि कोई भी फेस पैक एक बार में अपना वर्क नहीं करता है, उसे अपना वर्क करने के लिए कम से कम आपको उसे 2 से 3 बार अपने फेस पे अप्लाई करना होगा। उसके बाद ही आपको अपने फेस में विजिबल डिफरेंस नोटिस हो जाएगा। और मैंने जो एडिशनल स्टेप बताए हैं उसे भी फॉलो जरूर करें। मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि उन्हें इस होम रेमेडी की ज़रूरत थी। तो होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दें। बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर। बाय।